हे गाइस, आई वेलकम बैक टू द पोकेमोन ग्लेज वर्जन। जहाँ पे गए पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने गाइस यार बैम्बू फॉरेस्ट को पार किया था विद द हेल्प ऑफ आर न्यू टीम मेंबर्स कैप्टर। एंड वहाँ पे गाइस यार पार करने के बाद हम आ चुके थे व्हाइटवुड सिटी में। एंड यहाँ पे गाइस यार इस व्हाइटवुड सिटी के चर्च ऑफ एल्फा में हमें पता चला कि जैस्मिन का यस यार हमें पता चला कि गाइज़ यहाँ पर जैस्मिन कहाँ पर है। वो भी चर्च ऑफ अल्फा है। विटनी जो एलिट फोर मेंबर की लीग मेंबर है, उसने हमें बताया कि वो अभी अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसने थोड़ी सी जो है वो मिसबिहेव किया था इस चर्च ऑफ अल्फा में। दैट इज रीजन को नहीं, वो नहीं जा सकती। बट या हम लोग जा सकते हैं क्योंकि सब लोग को यहाँ पर अंदर आने की परमिशन तो है ही। बट हम लोगों को एक मेन सीरियस इशू के ऊपर यहाँ पर ये बात करने के लिए जाना है पीएस के साथ, अपने यहाँ पर जैस्मिन के साथ, क्योंकि पीएस ही वो अकेला बंदा है जिसने लास्ट यहाँ पे जैस्मिन को देखा था। तो या शक की घड़ी जो है वो यहाँ पे गाइज़र उसके ऊपर ही जाती है। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं गाइज़र उसके साथ बात करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस चर्च ऑफ अल्फा में। सो आज की हम सर्विस को बंद करने के लिए मैं यहाँ पर एक पैसेज रीड करना चाहता हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ डिविक्टस चैप्टर नंबर 27 वर्स 19 एंड डीमोन असेंडेंट माउंट सुमाट एंड क्लाइड टू द हेवंस द पेन ऑफ हिज पीपल एंड हर्शियस डीड हियर हिज पेन इन अ ग्लो ऑफ अ लाइट Arshia descended from the heavens and confronted Demon. I have heard the sorrow in your voice, Demon. I shall send forth a bountiful season this year, and your people shall be filled. I shall continue to provide your people with the subsistence, but you must never take this for granted. Always remember your God, Arceus. इसी के साथ हम प्रे करते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर अभी हो चुका है आमीन। यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं आज की सर्विस। शुक्रिया जैन का कि आज वो संडे का ब्रेकफास्ट अब प्रिपेयर करने के लिए मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ। तब तक मुझे कहना होगा कि आप सभी लोग स्पेक्टैकुलर है। मैं आशियस आपके साथ रहे। ओके, सो यहाँ पे गाइस सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे आज की प्रेयर भी खत्म हो चुकी है। तो शायद अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन लोगों के साथ कि अगर इन लोगों ने अभी कहीं जैस्मिन को देखा हो, तो अगर यही नहीं देखा होगा तो हम लोगों को शायद पीएस से ही बात करनी होगी। यार पीएस कौन है, कौन वो मुझे बंदा अब तक नहीं पता चल रहा है। एक अच्छा बंदा कहे या बुरा बंदा, यार अच्छा बंदा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि यार चर्च में काम कर रहा है, तो यार वो तो गलत काम ज्यादा कर नहीं सकता। बट उसकी डीप रियलिटी वो अभी हम लोगों को आज इस एपिसोड में पता चलने वाली है। ओ यस, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही बच्चे हो ना स्प्राउट टावर वाले, करेक्ट? हाँ यस, बट जैस्मिन कहाँ पर है आप प्लीज मुझे बता सकते हैं? ये मुझे ब्राइट करता है मेरे स्पिरिट का कि आज की यूथ इंटरेस्टेड है इस आरसीएस के टीचिंग में। बट मुझे जैस्मिन का पता करना है। ओ सो तुम यहाँ पे वो यंग वूमन जिसका नाम जैस्मिन है उसके लिए आए हो, मुझे माफ करना बट मैं इस नाम से फमिलियर नहीं हूँ विद अ सच पर्सन, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ पे थोड़े से बिजनेस अटेंड करने हैं। वेट, बट ये कैसे नहीं जानता? ए पीएस सर, और थोड़ा सा डिकॉन हो चुका, थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है उस वुमन के साथ, लोग वहाँ पे ग्रेवयार्ड में जाने लग गए हैं। पॉइंट बच्चे, मुझे मेरे साथ और कंपनी करो ऑफिस तक, हम वहाँ पे बात करेंगे। अवे फ्रॉम अ प्राइंग गियर्स, इसके पास है जैस्मिन है ये लड़के ने ना गाइजर यहाँ पर हम लोगों को कंफर्म दे दिया कि ग्रेवयार्ड में यहाँ पे। ओके सो गाइजर यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं। ए, एक डिकॉन मेंशन किया था कि जैस्मिन ग्रेवयार्ड के बारे में, शायद वहाँ पर एक सीक्रेट एंट्रेंस होगी, चलो फिर चलते हैं, कम ऑन हरी अप। ओके सो ग्रेवयार्ड की तरफ शायद एक सीक्रेट एंट्रेंस है। सारे सारे ग्रेवयार्ड्स में से ना मुझे जो ऊपर वाला जो लग रहा है ना वो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। ओके सो ये टोमस्टोन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बाकी लोगों से। यस हम अभी इसे पुश करते हैं।
एंड दैट्स इट, सीक्रेट पैसेज पर रिवील हो चुकी है। ग्रेट जॉब ध्रुव, कम ऑन चलो चलते हैं और जैस्मिन को ढूंढते हैं। यस यार, इतनी इसको कितनी खाई है ना यार। ओके कोई बात नहीं, अभी हम लोग चले जाते हैं क्योंकि यार इसके भी दोस्त है, हम लोगों को भी यार क्योंकि ढूंढना पड़ेगा जैस्मिन को, क्योंकि यार हम लोगों के पास बैच चाहिए उसका। अगर हम लोग के पास बैच ही नहीं होगा उसका तो हम लोग उसको ढूंढना तो पड़ेगा ही ना, तो इस वजह से इधर यहाँ पर मुझे ढूंढना लाजमी है यहाँ पे। ओके सो यही वो डिकॉन है, वो अभी हम लोग को जाने को नहीं तो दे रहा है, बट कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर अभी हम लोग तो जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। ये अगर जाने नहीं दे रहा है फिर भी कोई बात नहीं है, मुझे मैं यहाँ से जो बाकी का रास्ता है ना वो ढूंढ कर निकालूंगा। ओके सो ये डोर तो लॉक है, पता नहीं उसके लिए कौन सी तो की चाहिए होगी। तो यहाँ से अभी हम लोगों को एक मिल चुकी है द रेड की। ओके सो ये देखने वाली बात होगी कि ये रेड की कहाँ पे अब हम लोग लगा सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके इसके लिए तो ब्लू लॉक चाहिए, इसके लिए तो हम लोगों को ब्लू की लगेगी यहाँ पे, अभी यहाँ से देख लेते हैं। ओके इसको तो येलो चाहिए एंड ओके सो इसको रेड की चाहिए थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने रेड की से रेड डोर को खोल लिया है, अभी हम लोग चले जाते हैं। ओके तो यार इन लोगों से मुझे लगता है कि सभी लोगों से बैटल ही करना पड़ेगा तभी हम लोग यहाँ से आगे इधर जा सकते हैं। सो ओके तो चलते हैं गाइस यहाँ पर। जैस्मिन यहाँ पे गाइस जो जैस्मिन का पता मिल चुका है वो इन लोगों ने तो यार पूरे जैस्मिन को बंधित करके रखा था, बट मुझे पासवर्ड तो कुछ याद नहीं है फिलहाल के लिए। तो यहाँ से भी एक बार चल कर देख लेता हूँ गाइस यार कि जैस्मिन से बात करके। ओ ध्रुव मुझे अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, वो आदमी वो बस पावरफुल है, उसने मुझे पागल है क्योंकि मैंने मुझे पता नहीं है कि सेटेबी कहाँ पर है और वो उसने मुझे लॉक कर दिया। तो तुम मुझे छोड़ने वाले हो, छुड़ाने वाले हो ना, बट द सेल यहाँ पे लॉक है किसी पासवर्ड की तरफ से। मैंने मैनेज किया थी एक की ग्रैब करी थी गार्ड से होपिंग कि मैं और इतने करूँ, बट अभी इसका कोई काम नहीं है, इससे शायद एक और डोर अनलॉक होगा। ये लो तुम रख लो इसे। ओके सो हमें ब्लू की मिल चुकी है, मुझे पता नहीं कि ये कैसा है रहेगा, बट थैंक्स। ओके तो यार काफी बुरा लग रहा है यहाँ पे कि पीएस ने यहाँ पे जैस्मिन को लॉक करके रखा हुआ है, बट हम लोग खोलेंगे यार जैस्मिन, तो टेंशन ना लियो हम लोग तो मुझे खोलेंगे। फिलहाल तो मुझे ब्लू की मिल चुकी है, तो ब्लू लॉक ये इसको तो शायद वाइट येलो चाहिए तो ये तो नहीं खोलेगा, बट अंदर एक शायद एक ब्लू वाला मुझे लग रहा था, यहाँ पर तो नहीं है बट हाँ यहाँ से तो नहीं है, यहाँ पे तो ऑफिस है उस पीएस नाम के बंदे का, तो यहाँ से जो है वो यहाँ पर। ओके ये रही ब्लू की। ओके यहाँ पर हम लोगों ने ब्लू की का भी इस्तेमाल कर दिया है गाइस यार। ओके शुक्रिया। ओके सो यहाँ पर ये ओके सो बट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इसके पासवर्ड उसको इसके पासवर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, बस ये तो बस यहाँ पर क्लीन करता है सेक्सटन का ऑफिस। ओके सो उसको यहाँ पर अभी एक की मिल चुकी है एंड इसने हमें दे दी है येलो की, क्योंकि गाइस सर ये सेक्सटन का ऑफिस जो है वो क्लीन करता है तो उसके पास इसीलिए इसके पास की है। चलो यार कोई अच्छी बात होगी कि यहाँ पर हम लोगों ने ये जो येलो की है यहाँ पर अभी ये शायद इसका असिस्टेंट होगा पीएस का, उसके साथ हम लोग बात करने के लिए चले जाते हैं। ओके भाई तुम क्या अभी कर रहे हो यंगस्टर, मुझे डर लग रहा है कि मुझे यहाँ पे तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहिए तुम्हारे ट्रैवल मैटर के साथ, यहाँ पे रिस्पेक्ट रहो हमारे ग्रेवयार्ड में, मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा काम किया है मेंटेन करने के लिए, एंड प्लीज यहाँ पे कुछ भी पीछे मत देखना किसी भी ग्रेवयार्ड की तरफ, वहाँ पे साउथ ईस्ट में तरफ। साउथ ईस्ट कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इसने यहाँ पे चेतावनी तो दी थी बट हमें एक हिंट भी दे दी है गाइज यार यहाँ पे शायद कि हम लोगों को कहाँ पे नहीं देखना चाहिए, बट हम तो गाइज यार जैस्मिन को यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं एंड वो जो हिंट है वो तो हम लोग देख कर ही जाएंगे। ओके सो गाइज यार यहाँ पर अभी वो मुझे जो पासवर्ड है वो पता चल चुका है, जस्ट आपने वो देखा कि वो ग्रेवयार्ड के जो नीचे था। ओके सो अभी हम लोग उसको पुट करने जा रहे हैं MMXXX एंड ट्रिपल आई। ओके सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने वो पासवर्ड डाल दिया है एंड बिंगो, तो यहाँ पर ये पासवर्ड भी ओपन हो चुका है, यहाँ पे जैस्मिन भी आ चुकी है। ओह शुक्रिया तुम्हारा, तुम लाइफ सेवा हो। मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम शान से निकल सकते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि हम पीएस के एक्शन को अनफिनिश छोड़ दे। सो मैंने उसे देखा था कि वो ऑफिस की तरफ गया था, इस तरफ। ओह शिट, अब इसका कोई भी काम नहीं है, ये डोर बंद है, पर
अगर तुम यहाँ पर देखोगे तुम्हें शायद यहाँ पे की मिलेगी। ओके तो अभी हम लोगों को एक और की ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे पीएस को यहाँ पर सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, भले ही यहाँ पर जैस्मिन निकल चुकी है बट गाइजर यहाँ पर सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो गाइजर यहाँ पर भी वो शायद सेक्सटन से ही बात करनी होगी कि तुझे वो की ये की हमें दे रहा है कि नहीं। ओके सो यस ये दे रहा है क्या की। ओके सो इसने यहाँ पर अभी हार मान ली है तो वो अभी जा रहा है चर्च यहाँ पर बाहर के लिए। उसको यहाँ पर रिंग बजानी है चर्च की बेल की। ओके सो यह भी आप यहाँ से भाग चुका है, शायद ये हमें अवॉइड करने के लिए भागा था बट हम लोगों ने यहाँ पर इसका डोर चेक करके उससे ऑप्टेन कर ली है दी ऑर्नेट की। एंड यस ऑर्नेट की से ही हम लोग जा सकते हैं फॉर दी पीएस के ऑफिस की तरफ। तो जी हाँ गाइस यहाँ पर मुझे पीएस के ऑफिस की यहाँ पर फाइनली चाबी मिल चुकी है। यार चाबी इतनी इस एपिसोड में हम चाबी चाबी का नाम यहाँ पर हम लोगों ने जिक्र किया है ना जितना मैंने सीरीज में मेरे पूरे किया ना हो। ओके ध्रुव मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे साथ बैटल करना पड़ेगा इसके लिए। ओके ना मैं यहाँ पे अकेले परमिट नहीं दूंगी बट क्या तुम इसलिए तैयार हो? यस ऑल राइट या फिको। ओके सो जी हाँ गाइस यार ओ वेल वेल ये मेरे लिए एक सरप्राइज की तरह है। ये एक नॉट नोज ब्रैट ने तुम्हें मैनेज कर लिया ढूंढने के लिए मिस जैस्मिन। मुझे कहना होगा कि मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ। वेल तुम क्या कहे तुम्हें क्या चाहिए? तुमने तो अभी अपने दोस्त को आजाद कर लिया है सो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे रुके क्यों हो? तुमने जो मेरे साथ किया वो गलत था। मैं यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे शर्मा थी हूँ बट मैं एक अलसो जिम लीडर भी हूँ और मैं इतने सब ये सब लाइटली नहीं लूंगी। ये मेरे अकोमोडेशन में काफी ज्यादा है। वेल मुझे माफ करना कि मुझे ये सुनना पड़ा बट तुम दोनों ये हार्डली फेयर है। हाँ तुम दोनों एक पुअर ओल्ड मैन के लिए इसका खिलाफ लड़ोगे? क्या ठीक है मैंने कमोशन सुना। ओ ग्रेट तुम्हारी टाइमिंग इम्पेकेबल है सिस्टर मेरे साथ बैटल करो इन अनग्रेटफुल वेल्थ के खिलाफ। ओ बैटल सो अगर आप कहते हो तो सो ये 2-on-2 बैटल रहेगा राइट? अगर कोई स्टैंड फॉरवर्ड कर सकता है एंड हम अपने पोकेमॉन को भेजेंगे। तुम दोनों हमारे खिलाफ नहीं जीत सकते मेरे और ध्रुव के खिलाफ। ओके सो यहाँ पर तीन पोकेमॉन हम चुन रहे हैं जो कि है द क्विल द टोटो एंड द स्कैप्टा। तो जी हाँ गाइस यहाँ पर अभी हम लोगों ने फायर वाटर एंड ग्रास ये तीन कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं बट अपना जो फायर है यानी कि ये क्विल वो फिलहाल के लिए तो अभी लो एचपी पर है बट कोई बात नहीं गाइस यहाँ पर अभी ये बैटल तो हम ही जीतने वाले हैं क्योंकि बस हम लोग अकेले नहीं है यहाँ पर जैस्मिन भी हमारी मदद कर रही है। जैस्मिन यार कितनी क्यूट दिखती है ना वैसे तो। खैर छोड़िए फिर ये भाई हम लोग इस बैटल की तरफ ये ध्यान देते हैं गाइस। ओके सो स्टीलिक्स एंड द टाइपलोजन वर्सेस द गलेग एंड द गार्डेवा। ओके तो बैटल काफी ज्यादा मजेदार रहने वाला है ये गाइस क्योंकि आपको तो पता ही है यहाँ पर अभी हम लोगों को कैसे भी करके जीतना होगा एंड यहाँ पर इसे सबक सिखाना ही होगा पीएस को कि आइंदा से वो किसी को भी पकड़ने के चक्कर में क्या होगा उसका हर्ष बट उसको यार पुलिस में तो भेजना ही पड़ेगा हम लोगों को कुछ भी करके क्योंकि अगर ये ऐसे ही खुलेआम यार इसने तो क्राइम किया है यहाँ पे जैसे तो किडनैपिंग का तो हमें शायद इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे बट पहले तो इसको इस बैटल में हमें हराना होगा ताकि हम लोग भी यहाँ से भाग जो यहाँ पर से निकल सकें क्योंकि कहीं अगर हम लोग हार गए तो कोई भी मतलब नहीं है हम लोग को भी यहाँ पर ये पकड़ लेगा। विटनी बाहर है बट यार विटनी कुछ भी नहीं कर सकती इन लोग अगर ये हम लोग ही नहीं जीत पाए तो। सो जी हाँ यहाँ पर अभी मैं गार्डेवर को फ्लेम थ्रोवर देके फर्स्ट पोकेमॉन को तो इसके यहाँ पर हरा देता हूँ तो टोटल अभी इसके पास अब 5 पोकेमॉन बचे हैं बट मुझे लगता नहीं है कि गलेड भी यहाँ पर टिक पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो पॉइजन हो चुका है। सो या देखते हैं यहाँ पर अभी। ओके ब्रिक ब्रिक ब्रेकडी यहाँ पर दे दी यार गलेड ने जाते जाते अपने क्विल को एंड क्विल भी यहाँ पे गाइस डाउन हो चुका है। सो इट्स अ फेयर बैटल यहाँ पर अभी हम लोग आज लेकर आ जाते हैं उसका माइलोटिक है ना उसके माइलोटिक के खिलाफ मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने स्कैप्टर को ही लेकर आना बेहतर चीज होगी क्योंकि गाइस यहाँ पर अभी हम लोग अगर स्कैप्टर को लेकर आएंगे तो अगर हम लोग माइलोटिक को हरा सकते हैं बट ओके यहाँ पर स्टेडिक तो स्लिप पे चले गया। ओके सो जी हाँ गाइस यहाँ पर गलेड भी डाउन हो चुकी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द एब्सोल्व तो इस बार हम लोगों ने फिर से बढ़त यहाँ पर लीड ले ली है। सो लेट्स गिव इट द लीफ ब्लेड
देखते हैं यार यहाँ पर अभी कितना, ओ अच्छा खासा डैमेज दे तो दिया था मैंने। ओके सो यहाँ पर उसका नेक्स्ट पोकेमोन आ चुका है यहाँ पे जैस्मिन का आइगोरॉन, क्योंकि हाइड्रोपम की मदद से यहाँ पर स्टीलिक्स डाउन हो चुका था। ओके सो एक ही पंच से यार उसने तो यहाँ पर एक अब्जोल को भी डाउन कर दिया। ओके सो नेक्स्ट अप इज द नॉकडाउन। ओके सो यहाँ पर अभी मुझे नॉकडाउन को भी डाउन करना पड़ेगा, बट पहले तो यहाँ पर माइलोटिक को हरा देते हैं। एक अच्छी बात है कि यहाँ पर मैं अभी आई तो बिजी रुकूंगा ना इन दोनों को, तो आइगरॉन जो है वो अपना फोकस पंच दे सकता है जिससे कि उसने पहली बार दिया था। तो जी हाँ गाइस यहाँ पर अभी हम लोग एक और दे देते हैं यहाँ पर, इसका फोकस पंच तो अभी ये वर्क करेगा ही करेगा। बस इसके पास ये जो लास्ट दो पोकेमॉन हैं यही बचे हैं। ओके सो टेक डाउन नॉकडाउन का मिस हो गया। एंड जी हाँ पिजॉट को इसने यहाँ पर एग्रॉन ने यहाँ पर फोकस पंच दे दिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा देता है यार फोकस पंच। ओके फ्यूचर साइट लगा जरूर था, बट कोई बात नहीं गाइस यार यहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं परसूट के साथ, क्योंकि एक डार्क टाइप मूव है एक साइकिल टाइप पोकेमोन के क्लास। इतना ज़्यादा काम तो नहीं करा बट कोई बात नहीं, यहाँ पर पिजॉट भी डाउन हो चुका है। कसम से यार काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है यहाँ पर अभी ये अपना जो एग्रॉन को हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम दे रहे ना, दैट्स इट। तो नॉकडाउन भी गाइस यहाँ पर अभी डाउन हो चुका है एंड हम लोगों ने हरा दिया है पीएस एंड सेक्सटन को। ये नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दो पीएस। ओके 720 हमारी आर्मी भाई टोटल, हम हार कैसे सकते हैं, हम तो अर्शियस के साइड की तरफ थे, हम तो सच्चाई की राह पर थे। पेरॉप्स ये वो हमें शायद टेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें चार्ज कर रहा हूँ बिफोर कि मैं यहाँ पर थोड़े से अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस को कंप्लीट करके आऊँ। अगर मैं तुम्हें फिर से ना देखूँ अपनी जिंदगी में सो देन मैं तुम्हें देखता हूँ अगली में तरफ। मुझे पता नहीं कि हम कैसे जाए, मुझे पता था कि हम जीत जाएंगे। ये मैन बस थोड़ा सा रॉटन हो चुका था, उसे लग रहा था कि वो बेटर है क्योंकि वो साइड है आरसीएस के। मुझे पता नहीं कि तुम्हें कितना थैंक यू कहूँ, कितना तुमने मेरे लिए किया है। मैं शायद अभी मुझे फिर से जिम चले जाना चाहिए। ओके सो मैं तो कम्प्लीटली भूल ही गई थी ये सारे इतने ट्रबल के साथ बिटवीन द टीम फ्यूजन और पीएस। मैंने तुम्हें तो कभी अवार्ड ही नहीं दिया था मुझे हराने के लिए। ये लो रख लो, तुमने ये ऑन किया है। फाइनली यार यहाँ पर अभी हम लोगों को मिनरल बैच मिल चुका है गाइज, तो यार आई एम हैप्पी नाउ। ये लो ये भी रख लो। ओके TM-47 मिल गए शायद, ये कौन से टीएम है, ये शायद स्टील विंग है क्या? यस स्टील विंग है। ओके सो ये शायद हम लोगों के कार के लिए काफी ज्यादा काम आ सकती है। हाँ शुक्रिया तुम सब तुम्हारी हेल्प के लिए। ए, इस व्हाइट रोड सिटी में एक और जिम है, क्यों ना तुम इसे भी ट्राई करके चैलेंज करो, शायद तुम जीत सकते हो। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जैस्मिन एंड बाय जैस्मिन। यार फिर कभी दोबारा मिलोगे तो प्लीज नंबर देके जाना जरूर। आई नो कि तुम कर सकते थे ध्रुव, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पीछे भागी थी सिंस मैं थोड़ी सी यूजलेस थी। मुझे तुम्हें फिर से यहाँ पे शायद मुझे लीग में जाना होगा। बाय। ओके तो यार विटनी तो बस यार कुछ करी नहीं आज, नहीं विटनी ने कुछ काम ही नहीं किया ना, बस यार बस हम लोगों को कह दिया कि प्लीज़ बचा लो यहाँ पे, तो खैर यार हम लोगों ने बचा लिया था फाइनली। तो जी हाँ गाइस आज इस वीडियो इतना ही रखता हूँ मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमोन ग्लेज वर्जन। वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर बिना जल्द सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो। सो यार मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमोन ग्लेज वर्जन, तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।